नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनसा टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा YouTube अर्निंग के बारे में। दोस्तों, आज से पहले हमने YouTube अर्निंग के बारे में कभी भी कोई भी बात नहीं की है, ना कोई वीडियोस मैंने अपलोड किया है YouTube अर्निंग से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि यार आखिर मैं YouTube से कितना कमाता हूं और YouTube जो है कितने व्यूज का कितना पैसा आपको देता है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, वो भी बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमीर और आप देख रहे हैं सुनसा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये होती है कि यार YouTube पैसे आखिर कितने देता है, कितने व्यूज़ के कितने पैसे YouTube आपको देता है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो मोस्टली आपके दिमाग में एक चीज़ ये जरूर आती है कि यार अगर हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो कितने व्यूज़ का हमको कितना डॉलर जो है YouTube पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यार YouTube का कोई फिक्स नहीं है कि इतने व्यूज़ पर आपको इतने डॉलर मिलेगी। उसमें कोई फिक्स रेट उसने फिक्स नहीं कर रखी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको 1000 व्यूज़ पर ही एक डॉलर मिल जाता है, कभी कभी 750, जो बेसिकली मेरे साथ हुआ है, मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। यानी कि कभी कभी 750 व्यूज़ पर भी एक डॉलर मिल जाता है, कभी 1000 व्यूज़ पर भी डॉलर मिल जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि 2000 व्यूज़ पर एक डॉलर मिलता है, कभी 3000 व्यूज़ पर, तो कभी 5000, तो कभी 7000। और मोस्टली जो वीडियोज़ होते हैं कभी कभी तो 7000 व्यूज़ पर ही मिलते हैं। बाकी तो जो टेक वीडियोज़ होते हैं उनमें भी चाहे किसी भी प्रकार को, अब उसका बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि आपका वीडियो देखा कहाँ जाता है। जहाँ अगर ये मान लीजिए कि अगर आपका वीडियोस इंडिया में देखा जाता है तो वहाँ पर जो है उस पर अधिक व्यूज़ आने पर, यानी कि 3-4 हज़ार व्यूज़ आते हैं तब एक डॉलर मिलता है। अगर वही आपका वीडियो जो है अगर बाहर किसी अदर कंट्री में देखा जाता है, जैसे कि अमेरिका मान लीजिए, USA जो है, वहाँ अगर आपका वीडियो देखा जाता है तो वहाँ पर आपको 750 से 1000 व्यूज़ के बीच में भी आपको एक डॉलर मिल जाता है। सो इस प्रकार से YouTube जो है आपका कंट्री के हिसाब से, वहाँ की रेट के हिसाब से आपके वीडियोस पर जो एड दिखाए जाते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। आप व्यूज़ को काउंट करके उसके हिसाब से जो है आप किसी की अर्निंग को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि इसके आसपास आ सकती है, क्योंकि जो एक बेसिक एरिया होता है कि यानी कि जितना आप देखते हैं कि बेसिकली आपको पता हो जाता है कि भाई इतनी अर्निंग आ रही है। आपका अगर खुद का चैनल 1-2 बार अर्निंग आ जाती है तो आपको अनुमान हो जाता है कि इतनी अर्निंग आ जाती है। तो अब मैं अगर अपनी अर्निंग की बात करूँ तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ अपने पिछले महीने की अर्निंग की, क्योंकि फिलहाल जो इस महीने की अर्निंग तो अभी आई नहीं है, तो पिछले महीने की जो अर्निंग है फ्रेंड्स वो थी मेरी एक रियलमी का C1 स्मार्टफोन जो आता है वो खरीद सकते हैं। आपको बताइए रियलमी C1 स्मार्टफोन कितना का। फ्रेंड्स, मैं आपको चाहता तो ये जो अर्निंग है सीधे भी बता सकता था, लेकिन यार मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। आप जो अपनी अर्निंग है सीधे तौर पर किसी को भी नहीं दिखा सकते हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमाते हैं या फिर कितना है। आप उसका बस आप इतना बता सकते हैं कि आपका जो उसके कितने कमा सकते हैं, मतलब आपका जो एक उसको आइडिया दे सकते हैं कि वो जिससे उनको पता भी चल जाए और आप YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन जो स्ट्राइक है उससे भी बचे रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, YouTube पर जो अर्निंग बताने का मेरा मोटिव ये है कि जो भी नए नए क्रिएटर हैं उनको एक मोटिवेशनल मिलता रहे, यानी कि जिससे कि वो डीमोटिवेट ना हो, यानी कि यूट्यूब पर उनको लगे यार यूट्यूब पर पैसे नहीं आ रहे। अगर डीमोटिवेट होता हुआ बंदा भी होना तो उसको भी अगर वो अर्निंग के बारे में थोड़ा सा पता चले तो बस फिर से मोटिवेट हो जाता है और वो फिर से अपने जो है काम पर लग जाता है। सो फ्रेंड्स, YouTube से अर्निंग काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते हम, क्योंकि अभी तो हमारे चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं और ना ज़्यादा सब्सक्राइबर है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा अर्निंग है, और जो मिड रेंज है उनकी ठीक ठाक आ जाती है। बस मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी मैक्सिमम आ सकती है कि वो पोको वन स्मार्टफोन आ होता है वो वहाँ तक ले सकते हैं, इतनी उनकी अर्निंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है यार आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।